गुरु पूर्णिमा का दिन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए सनातन हिंदू परंपरा का एक पर्व है। सभी सनातनी हिंदू इसे संसार भर में मनाते हैं। यह हिंदू पंचांग के आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो अंग्रेजी वर्ष के जून से जुलाई माह में पड़ता है। इस दिन को उस अवसर के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जब शिव जी ने अपने आदि गुरु स्वरूप में सप्तऋषियों को योग विद्या का ज्ञान देना आरंभ किया था। कथा की माने तो सप्तऋषियों ने शिव को गुरु रूप में पाने के लिए लगभग 84 वर्षों तक साधना की थी। फिर एक पूर्णिमा के दिन जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा था, अर्थात दक्षिणायन हुआ था, तब आदि योगी ने इन 7 लोगों को देखा और उनका गुरु बनने का फैसला लिया। वो पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना गया। इसी प्रकार दक्षिणायन की पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाई। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन महाभारत के रचयिता और वेदों का संकलन करने वाले ऋषि वेद व्यास का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी और हिंदू पुनर्जागरण के पुरोधा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 ईस्वी में संस्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन 6 प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिन्हें संघ अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से आधिकारिक रूप से मनाता है। इस दिन प्रत्येक RSS शाखा गुरु दक्षिणा का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला कारण, भारत की गुरु शिष्य परंपरा की सदियों पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाना है, और दूसरा संगठन के कामकाज के लिए वित्त की व्यवस्था करना। RSS के शुरुआती वर्षों में यह तय किया गया था कि संगठनात्मक कार्यों के लिए RSS केवल स्वयंसेवकों से ही योगदान लेगा। इस प्रकार एक संगठनात्मक गतिविधि के रूप में गुरु दक्षिणा को इस तरह से तैयार किया गया कि स्वयंसेवक वैचारिक रूप से प्रशिक्षित होने के साथ साथ वित्तीय योगदान भी करते हैं। इसका उपयोग संगठनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें धन की राशि नहीं, कृतज्ञता की भावना महत्व रखती है। गुरु पूजा का यह कार्यक्रम बड़ी सादगी के साथ संपन्न किया जाता है, जिसमें नए स्वयंसेवकों को संगठन से जोड़े रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जाता है। गुरु दक्षिणा कार्यक्रम सादगी भरा होता है, लेकिन उसमें गुरु के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता का जैसा आध्यात्मिक वातावरण बनता है, नए स्वयंसेवकों पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। दैनिक शाखा की तरह कार्यक्रम का समापन संघ की ध्वजा प्रार्थना से किया जाता है। गुरु दक्षिणा कार्यक्रम की अवधारणा संघ के प्रारंभिक दिनों में की गई थी। इसके 2 उद्देश्य थे। पहला, संगठन के विस्तार के लिए संगठन के भीतर ही धन की व्यवस्था करना, और दूसरा यह स्थापित करना कि संघ में भगवा ध्वज ही सर्वोच्च गुरु है। कालांतर में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम ऐसे स्वयंसेवकों को भी कम से कम वर्ष में एक बार जोड़ने का सशक्त माध्यम बन गया, जो नियमित शाखा नहीं आ पाते थे, वे भी कम से कम वर्ष में एक बार सभी से परस्पर मिल सकने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक किसी व्यक्ति या ग्रंथ की जगह भगवा ध्वज को अपना मार्गदर्शक और गुरु मानते हैं। जब डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवर्तन किया, तब अनेक स्वयंसेवक चाहते थे कि संस्थापक होने के नाते वे इस संगठन के गुरु बने, क्योंकि उन सब के लिए डॉक्टर हेडगेवार का व्यक्तित्व अत्यंत आदरणीय और प्रेरणादायी था। इस आग्रह पूर्ण दबाव के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू संस्कृति, ज्ञान, त्याग और संन्यास के प्रतीक भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का निर्णय किया। अपनी स्थापना के 3 साल बाद संघ ने सन 1928 में पहली बार गुरु पूजा का आयोजन किया। तब से यह परंपरा आज तक अबाध रूप से जारी है, और भगवा ध्वज का स्थान संघ में सर्वोच्च बना हुआ है। ध्वज की प्रतिष्ठा सर संघ चालक यानी संघ प्रमुख से भी ऊपर है। केसरिया झंडे को ही संघ ने सर्वोच्च स्थान क्यों दिया, यह प्रश्न बहुतों के लिए पहेली है। भारत और कई दूसरे देशों में ऐसे अनेक धार्मिक आध्यात्मिक संगठन हैं, जिनके संस्थापकों को गुरु मानकर उनका पूजन करने की परंपरा है। भक्ति आंदोलन की समृद्ध परंपरा के दौरान आज भी किसी व्यक्ति को गुरु मानने में कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रचलित परिपाटी से हटकर संघ में डॉक्टर हेडगेवार की जगह भगवा ध्वज को गुरु मानने का विचार विश्व के समकालीन इतिहास की अनूठी पहल है। जो संगठन दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन गया है, उसका सर्वोच्च पद अगर एक ध्वज को प्राप्त है, तो निश्चय ही यह गंभीरता से
विचार करने का विषय है। एचवी शेषाद्री कहते हैं कि भगवा ध्वज सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का श्रद्धेय प्रतीक रहा है। जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ का शुभारंभ किया, तभी से उन्होंने इस ध्वज को स्वयंसेवकों के सामने समस्त राष्ट्रीय आदर्शों के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और बाद में व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु के रूप में भगवा ध्वज के पूजन की परंपरा आरंभ की। पालकर कहते हैं, सनातन धर्म में वैदिक काल से ही भगवा ध्वज फहराने की परंपरा मिलती है। भगवा ध्वज को हिंदू जीवन शैली में सदैव प्रतिष्ठा प्राप्त रही है। यह ध्वज हिंदुओं को हर काल में विदेशी आक्रमणों से लड़ने और विजयी होने की प्रेरणा देता रहा है। इसका सुविचारित उपयोग हिंदुओं में राष्ट्र रक्षा के लिए संघर्ष का भाव जागृत करने के लिए होता रहा है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हजारों सिख योद्धाओं की फौज का नेतृत्व किया, तब उन्होंने केसरिया झंडे का ही उपयोग किया। यह ध्वज हिंदुत्व के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस झंडे से प्रेरणा लेते हुए महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख सैनिकों ने अफगानिस्तान के काबुल कंधार तक को जीत लिया था। जब राजस्थान पर मुगलों का हमला हुआ, तब राणा सांगा और महाराणा प्रताप के सेनापतित्व में राजपूत योद्धाओं ने भी भगवा ध्वज से वीरता की प्रेरणा लेकर आक्रमणकारियों को रोकने के लिए ऐतिहासिक युद्ध किए। छत्रपति शिवाजी और उनके साथियों ने मुगल शासन से मुक्ति और हिंदू राज्य की स्थापना के लिए भगवा ध्वज की छत्रछाया में ही कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। भारत के अनेक मठ मंदिरों पर भगवा झंडा फहराया जाता है, क्योंकि इस रंग का शौर्य और त्याग जैसे गुणों का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेजी राज के विरुद्ध सन 1857 में भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के दौरान केसरिया झंडे के तले ही सारे क्रांतिकारी एकजुट हुए थे। श्री गुरुजी के अनुसार संघ में ना तो व्यक्तिगत अभिमान के लिए स्थान है, ना संस्था के अभिमान के लिए अवसर है। संघ तो केवल अपने अखिल भारत वर्ष का अभिमानी है। फिर अपनी इस दिव्य ध्वजा को छोड़कर अन्य किसी प्रतीक के प्रति किस प्रकार श्रद्धा रखा जा सकता है। हम दूसरे किसी ध्वज का अनादर नहीं करना चाहते, पर हमारी श्रद्धा प्राचीन भारत के इतिहास और परंपरागत भगवे ध्वज को ही समर्पित है। यह ध्वज हिंदू समाज के सतत संघर्षों और विजयश्री का साक्षी रहा है। हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र भगवा ध्वज के बिना कल्पित ही नहीं हो सकती। भगवा ध्वज के अस्तित्व पर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि इसे कोई शासकीय मान्यता दी गई है या नहीं। यही कारण है कि आज भी अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों, जातियों और उपजातियों के लिए भगवा ध्वज आदरणीय है। यह हिंदू समाज की आकांक्षाओं का प्रतीक है और इसमें वह ऊर्जा भी है जो उन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए समाज को प्रेरित कर सकती है। यह ऊर्जा भले ही प्रकट ना हो, लेकिन इसे हम संगठित हिंदू समाज के रूप में अवश्य देख सकते हैं। भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के पीछे संघ का दर्शन यह है कि किसी व्यक्ति को गुरु बनाने पर उसमें पहले से कुछ कमजोरियां हो सकती हैं या कालांतर में उसके सद्गुणों का क्षय भी हो सकता है, लेकिन ध्वज स्थायी रूप से श्रेष्ठ गुणों की प्रेरणा देता रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुख्यतः 3 कारणों से भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया। पहला कारण, ध्वज के साथ ऐतिहासिकता का जुड़ा होना है। यह किसी संगठन को एकजुट रखते हुए उसके विकास में सहायक हो सकता है। इसका दूसरा कारण, भगवा ध्वज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वह विचारधारा सर्वाधिक प्रखर रूप में प्रतिबिंबित होती है जो संघ की स्थापना का प्रबल आधार है। और तीसरा कारण, किसी व्यक्ति की जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक भगवा ध्वज को सर्वोच्च स्थान देकर संघ यह सुनिश्चित करने में सफल रहा कि वह व्यक्ति केंद्रित संगठन नहीं बनेगा। यह सोच बहुत सफल रही, फलस्वरूप पिछले 99 वर्षों के दौरान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन का आधार व्यापक हुआ और संघ में सर्वोच्च पद को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इस तरह के संगठन में शीर्ष नेतृत्व के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष ना होना आश्चर्यजनक है और बहुत सीमा तक इसका श्रेय भगवा ध्वज को गुरु मानने के डॉक्टर हेडगेवार के निर्णय को दिया जा सकता है।